आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में आपको नेट जेआरएफ से रिलेटेड तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि नेट एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एज लिमिट क्या है। तो इस वीडियो में लोग इसी बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष ने यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नेट एग्जाम या फिर नेट जेआरएफ के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जिसको नहीं पता कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जाती है। तो आपको क्लियर हो गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नेट एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। तो देखो भाई, अगर आप नेट एग्जाम या फिर नेट जेआरएफ देना चाह रहे हो तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। कम से कम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि नेट एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए एज लिमिट क्या है। तो देखो गाइस, अगर आप नेट दे रहे हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें कोई भी आपका मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप नेट जेआरएफ दे रहे हो तो इसमें दोस्तों जो मैक्सिमम एज है ये आपका 30 साल है। आपको मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, नेट एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन नेट जेआरएफ के लिए आपका 30 ईयर्स यानी कि 30 साल आपका एज लिमिट दिया गया है। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अगर वहीं पे आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपको 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि अब आपको क्लियर हो गया कि नेट एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, एज लिमिट क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 97% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। और कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।